Hello students, in this video lecture we will discuss the given question which are written on your screen. Okay bachcho, yahan par jo questions ye do likhe hue hain, questions ko hum iske solutions ke bare mein discuss karne wale hain. To sabse pehle hum baat karte hain apne question number first ki. Okay bachcho, question is find the least number of square tiles required to pave the ceiling of a room मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड. बच्चों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो आपकी लेंथ है यहां पर, जिसको ये सॉल्यूशन नंबर वन की हम बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना. एक रूम है हमारा, रूम की जो लेंथ है वो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेथ आपकी है बच्चों वो है आपकी 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर. ओके, इंपोर्टेंटली समझिएगा जरा इसको ध्यान से. जो रूम है इसकी ऑब्वियस सी बात है सीलिंग जो होगी वो इस तरह से होगी, ठीक है ना, सीलिंग यानी कि छत. यहां पर आपको टाइल्स लगानी है, स्क्वायर टाइल्स, ठीक है ना बच्चों, स्क्वायर टाइल्स यहां पर आपको फिट करनी है, यहां पर लगानी है. तो आपको बताना है कि इसमें लीस्ट यानी मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स बतानी है, ठीक है ना. यानी कि इस लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, सपोज दैट ये हम 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, होगा 17 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते हैं, और ये हमारा 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर हो गया. ओके बच्चों, पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, ठीक है ना, उसके बाद इसके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स है, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स तभी पॉसिबल है जब हम इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स लगाते हैं, ठीक है ना. यानी कि बड़ी से बड़ी स्क्वायर टाइल्स जो इसके लेंथ और ब्रेथ को, यानी ये हमारी क्या होगी, यहां पर हम ब्रेथ की बात कर रहे हैं, इसको एग्जैक्टली कवर्ड करें. देखिए जरा इस तरह से समझिए, सपोज दैट इस तरह से, ठीक है ना. और ये इसके बाद हम जब लेंथ पे हम यहाँ बात करें तो ये भी इसको एग्जैक्टली कवर करें, ठीक है ना, स्क्वायर टाइल्स. जरा आप समझिएगा, ठीक है ना, इसका साइज जब मैक्सिमम होगा बच्चों, ठीक है ना, ये साइज जब मैक्सिमम होगा तभी इस सीलिंग में मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स लगा सकते हैं. यानी हमें इसके अंदर एक टाइल्स का, ठीक है ना, स्क्वायर टाइल्स है आपकी, सबसे बड़ा साइज बताना है, ठीक है ना. साइज सबसे बड़ा होने से मतलब इसकी लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी, ठीक है ना. इसको हमने x और x कंसीडर कर लिया, ठीक है ना, x और x, यहाँ पर समझ सकते हैं. दैट मीन्स जो नंबर एक x हमें यहाँ पर जो मिलने वाला है, ये यहाँ पर जो हमारी लेंथ है, ठीक है ना, ये x की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड करे और इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड करे, ठीक है ना, लेंथ और ब्रेथ को एग्जैक्टली डिवाइड करे. क्योंकि अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा देन व्हाट हैपेंड, अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है तो लगाने के बाद पता लगा हमने कुछ टाइल्स यहाँ पे लगाई, उसके बाद कुछ स्पेस हमारा बच जाएगा, या फिर उस स्पेस को कवर करेंगे तो पूरा टाइल्स नहीं आएगा, उसको हमें पीस करना पड़ेगा. तो हमें टाइल्स का पीस नहीं करना है, ठीक है ना, एग्जैक्टली कवर करना है, लेंथ को भी एग्जैक्टली कवर कराना है बच्चों और ब्रेथ को भी. ये हमारी लेंथ है यहाँ पर और सपोज दैट ये ब्रेथ है, तो यहाँ पर जो x, यहाँ पर ये जो स्क्वायर टाइल है उसकी ये साइज मैंने माना हुआ है x लेंथ और x ही ब्रेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ स्क्वायर टाइल्स, ठीक है ना. तो ये जो x नंबर हमारा है यहाँ पर, ठीक है ना, जो कि इतनी लेंथ है, यहाँ पर आप समझ रहे होंगे जहां कर्सर मेरा मूव कर रहा है, आप आसानी से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है ना. कलर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, जहां कर्सर ये मूव कर रहा है इतनी लेंथ को x रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना. यानी कि आप कह सकते हैं कि ये लेंथ जब यहाँ पर एग्जैक्टली कवर करेगा, ठीक है ना, तभी तो ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो पाएगा. यानी जो x है हमें ये पता करना है कि x की वैल्यू निकालनी जो इस लेंथ को हमारा एग्जैक्टली कवर करे, और साथ साथ ये सेम x है यहाँ पर इसको भी एग्जैक्टली कवर करे. और दूसरा मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पर फाइंड आउट करना है, बेटा कर्सर जहाँ पर हमारा फाइंड आउट करना है, ये तभी पॉसिबल है जब इसका साइज मैक्सिमम हो. दैट मीन्स अब आसानी से आप समझ सकते हैं कि हमें एक x ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि मैक्सिमम हो, बड़े से बड़ा नंबर हो, और इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो. तो ऑब्वियस सी बात है x यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवाइजर, ठीक है ना. x हमारा डिवाइजर हो जाएगा जो कि यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को एग्जैक्टली क्या करता हो, यहाँ पर डिवाइड करता हो बच्चों, ठीक है ना. दैट मीन्स आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं हमें एस सी एफ फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो हम इसमें जो हमारा काम है, सबसे पहले वो एक्स की वैल्यू निकालना है, फिर सेकेंडली मैं उसके बाद आगे बात करूंगा कि लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स अगर आपको निकालना है तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना. पहला स्टेप हमारा, ठीक है ना, वो ये है कि हम एस सी एफ निकालें इन दोनों नंबर्स का. एस सी एफ से क्या होगा, हमें एक्स जो नंबर मिलेगा एस सी एफ से, वो ये इस एक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना. उसके बाद ये तो आपका क्या हो गया, स्क्वायर टाइल्स का साइज हो गया, ये नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स नहीं हो गया, ठीक है ना. ये स्क्वायर टाइल्स का क्या हो गया बच्चों, साइज हो गया. और अगर हमें एक स्क्वायर टाइल्स का साइज अगर पता लग गया,
ठीक है ना, तो हम नंबर ऑफ टाइल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि पूरे जो रूम हमारा सीलिंग है इसका एरिया निकालेंगे और इसको एक स्क्वायर टाइल की एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो स्क्वायर टाइल्स का आपका साइज होगा वो हमें पता लग जाएगा जब हमें एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि जब आपको नंबर और एक स्क्वायर टाइल्स का साइज पता है, पूरे सीलिंग का साइज पता है, तो पूरी सीलिंग के साइज को ठीक है स्क्वायर टाइल्स से अगर हम डिवाइड कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना, इसका आपको ध्यान रखना है, तो फिर क्या हो जाएगा, हमें नंबर ऑफ टाइल्स पता लगेगा। ये लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स बच्चों हम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, ये लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स बच्चों हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब ये टाइल्स हमारी मैक्सिमम साइज की है तो ये नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएंगी वो ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएंगी। इसको आप आसानी से समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर कई बच्चे क्या लीस्ट समझ के ना, लीस्ट नंबर देखकर वो इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है बच्चों, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम के रिगार्डिंग, ये चीज आपको जो है वो ध्यान रखनी है। तो फाइनली हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या है, नंबर वन स्टेप हमारे बच्चों क्या बन गया, नंबर वन स्टेप हमें जो गिवन नंबर्स है इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है तो क्या करना है, रूम के एरिया को एक टाइल्स के एरिया से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। और जो एचसीएफ हमें जो नंबर मिलने वाला है वो बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, बड़ी आसानी से जो डायग्राम मैंने अभी डायग्राम बनाया है आपका उस डायग्राम से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, वो जो नंबर रिप्रेजेंट करेगा वो लेंथ ऑफ ब्रेथ को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है बिकॉज ऑफ, ठीक है ना, लेंथ ऑफ ब्रेथ को हमारा एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो जो स्क्वायर टाइल्स है उसकी साइड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बच्चों। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो एस सी एफ निकालने के लिए बच्चों क्या काम करने वाले हैं, जो आपकी लेंथ यहाँ पर दी गई है एल 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, कंप्लीटली सेंटीमीटर में कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर होते हैं और ये 17 सेंटीमीटर है, तो 17 सेंटीमीटर आ गया आपका, ठीक है ना। उसी तरह से ब्रेथ की अगर हम बात करते हैं 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, ये हमारा 902 सेंटीमीटर बन जाएगा। आई होप कि इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहो तो लिख देना सिंस 1 मीटर इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर होता है। ओके बच्चों, इसका आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्या आपको फाइंड करना, नाउ वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1517 एंड 902। ओके बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं, 1517 और 902। ओके बच्चों, तो 1517 इसे कैलकुलेट करिए जरा, जो थोड़ा सा 37 से ये एग्जैक्टली शायद 41 टाइम्स डिवाइड होगा और ये 41 ये आ जाएगा, इसको चेक आउट कर सकते हैं आप बच्चों, सॉरी, ठीक है ना। और ये 2 से आपका होगा पहले, तो 2 4 जाए 2 5 जाए 10, 2 1 जाए 2, 2 के बाद ये किससे होगा 3 5 9 0 1 10, आई थिंक 41 से तो डेफिनेटली होगा, 11 से कर सकते हैं इसको हम, आई थिंक 11 4 जा 44, 11 से यस 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, ये 41 ये बन। दैट मीन्स 1517 को आप 37 इंटू 41 लिख सकते हैं, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा इसका, ठीक है ना। और 902 के जो फैक्टराइजेशन आपके हो जाएंगे वो 2 इंटू 11 इंटू 41, ये हो जाएगा। आई होप कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता होगा। तो एस सी एफ अगर हम फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, इन दोनों नंबर का, तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं 41 आ रहा है, ये 41 क्या हो गया आपका बच्चों, ठीक है ना। ये देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर टाइल इक्वल टू 41, ठीक है ना, 41 क्या सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। फिर से एक बार रिपीट करते तो साइड ऑफ स्क्वायर टाइल टू गेट, यहां पर आप लिख सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है ना। ये जो स्क्वायर टाइल है, ठीक है ना, उसका साइज है, अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ सीलिंग में टाइल्स बतानी है कि सीलिंग में मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगनी, तो उसका साइज हो गया, ठीक है ना। तो देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स अगर आपको बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स, अभी मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ए रूम अपॉन एरिया ऑफ ए स्क्वायर टाइल, एरिया ऑफ ए स्क्वायर टाइल, ठीक है ना। आई होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि ये आपका सपोज दैट रूम की सीलिंग है आपका
ठीक है ना, उसका जो एरिया होगा वो टोटल ये एरिया आ जाएगा और एक स्क्वायर टाइल का एरिया ये हो जाएगा, ठीक है ना। मिनिमम नंबर ऑफ आपको निकालना है, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स आपको क्या निकालना पड़ेगा, साइड निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप कि बार बार मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है ना, ये आप समझ जाएंगे। इसको आप कैलकुलेट करिए, ये लेंथ तो शायद 15.17 था और ब्रेथ आपका 902 था, ठीक है ना बच्चों। ये 41 × 41, तो ये 41 से ये 37 टाइम्स कैंसिल होगा आपका, और 41 से ये शायद देखिए यहाँ पे जरा फैक्टराइजेशन हुआ है 902 का, 41 ये 11 × 2 यानी 22 टाइम्स हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, फिर तो उसका 37 और 22 का आप मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 27 का 14, 23 6 17, फिर 4 और 7, तो ये आपका 418 यानी आपका फाइनल आंसर 814 टाइल्स, ठीक है ना। यानी आपको 814 टाइल्स उसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। आई होप कि ये क्वेश्चन जो आपको है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ठीक है ना। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइडेड, ठीक है ना, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइडेड 41, 43, 91, 183, तो दैट मींस एचसीएफ हमें निकालना, ये तो क्लियर हो गया। इस बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता हो वो एचसीएफ होना, लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ही है आपका, इसमें लिखा हुआ है सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अच्छा क्वेश्चन है, रिमाइंडर हर एक केस में जो है वो सेम रहता है, यानी 43 को अगर हम उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो हमारा है वो सेम रहता है, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए जरा यहाँ पर क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, सॉल्यूशन नंबर टू, तो सबसे पहले लेट रिक्वायर्ड नंबर इज डी, यानी जो हमें नंबर फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड नंबर इज डी, डी फॉर डिवाइडर, ठीक है ना, ये फाइंड आउट करना है। हमने क्या किया, हमारे तीन नंबर है, 43 है आपका, 43 आपका, और सेकेंड नंबर 91 183, 91 है बच्चों और एक 183 है, ठीक है ना। 43 को अगर D से डिवाइड करने के बाद हमने मान लिया क्वेश्चन जो आपका आएगा वो Q1 आएगा और रिमाइंडर R कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। इसको भी आपको D से डिवाइड किया जा रहा है, तो क्वेश्चन आपका जो है वो Q2 रहने वाला है और रिमाइंडर आपका जो है वो R ही है, क्योंकि बोला गया कि रिमाइंडर सारे केसेस में सेम बचता है। फिर D से अगर इसको डिवाइड करते हैं क्वेश्चन Q3 आ गया और रिमाइंडर R आ गया, ठीक है ना बच्चों। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, सिंस जो आपको Q1 Q2 Q3 है, D से अगर हम 43 को डिवाइड करेंगे तो Q1 smaller than Q2, smaller than Q3. ये बात कई बच्चों को अभी समझ में नहीं आई होगी, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Q3 greater than Q2, greater than Q1. इसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। अगर 43 नंबर है और सेम नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो छोटा होगा, कम टाइम्स डिवाइड जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अगर उससे बड़ा नंबर है तो क्वेश्चन उससे बड़ा आएगा, और अगर 183 उस सबसे बड़ा नंबर है तो क्वेश्चन उससे बड़ा आएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे ये नंबर ग्रेटर होता जाएगा, अगर नंबर सेम है, आप इसको ऐसे समझिए, सपोज दैट 5 नंबर है, अगर हम 26 को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो 5 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है ना। और बड़ा नंबर करिए, 32 को डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स चला गया ये, 5 6 30। और बड़ा अगर नंबर हो जाता है, सपोज दैट 95 हो गया या 90 जो भी है आपका, तो ये 5 × 5 और जो भी आपका बचता है 90, तो जैसे जैसे ये डिविडेंड हमारा ग्रेटर होता जाएगा तो ये क्वोशेंट भी हमारा ग्रेटर होता जाएगा। यहाँ पर ये आपका, क्योंकि ये नंबर हमारा सेम है, डिवाइड जो आपका नंबर जिसको फाइंड आउट करना है, जिससे डिवाइड करना है आपको, ठीक है ना, तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं ये नंबर जैसे जैसे डिविडेंड ग्रेटर होगा ये क्वोशेंट भी ग्रेटर होता जाएगा। तो Q1 सबसे छोटा रहेगा, उससे बड़ा Q2 और उससे बड़ा Q3 आ जाएगा नंबर। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा हुआ है, आई होप कि ये जो आपको है बात आसानी से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका क्या यूज है, डेफिनेटली यूज है इसका, ठीक है ना। वो क्या यूज है मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। सपोज दैट दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं उसका रीजन अभी समझ में आएगा आपको, सिंप्लीफिकेशन है थोड़ा सा, ठीक है ना। और इसको भी मैंने क्यों बताया इसका भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो सॉल्व ट्रिक है इस क्वेश्चन की, बट मैं कहूंगा कि पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिए। अगर हम माइनस करते हैं, 91 में से 43 माइनस करेंगे हम, और ये आपका आर से आर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे, ये डी कॉमन आने के बाद Q2 माइनस Q1। आई होप कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं 91 माइनस 43 आपका 8 और 48, डी
Q2 माइनस Q1 यहां पर मिल गया, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर, ठीक है। इसी तरह से आप थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लीजिए, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड, तो 183 माइनस देख लीजिए आप यहां पर 183 माइनस 91, और D हम कॉमन लेके इसको Q3 माइनस Q2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये R से R कैंसिल हो जाएगा, D कॉमन ले लेंगे हम Q3 माइनस Q2, और थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों तो क्या बन जाएगा हमारा 3 माइनस 2, ये 2 आ गया यहाँ पर, और 89, ये D Q3 माइनस Q2, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 5। इसी तरह से इक्वेशन थर्ड में से सेकेंड को माइनस किया है, ठीक है ना, और थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, थर्ड इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या कर रहे हैं देखिए जरा यहाँ पर बच्चों, सिंपल सा हमारा लॉजिक है, हम यहाँ से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, अब थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, कोई रहना नहीं चाहिए हमारा। तो 183 माइनस 43 ये आ जाएगा आपका, 183 माइनस 43 इक्वल टू डू, अगर डी कॉमन लेते हैं तो आई थिंक Q3 माइनस Q1 बचेगा आपका, ठीक है ना। ओके बच्चों देख लीजिए आप Q3 माइनस Q1 ये आपका बन गया यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद ये 140 इक्वल टू डी Q3 माइनस Q1, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये थ्री हमने इक्वेशंस बना ली, इन तीनों इक्वेशंस को मैं एक साथ लिखने वाला हूँ, देखिए जरा यहाँ पर बच्चों 48 इक्वल टू डी Q2 माइनस Q1, उसका सेकेंड हमारा जो नंबर था वो आपका था 5, क्वेश्चन नंबर 5 से 92 इक्वल टू डी Q3 माइनस Q2, और इसी तरह से हमारा 140 इक्वल टू डी Q3 माइनस Q1, ठीक है ना। ये कैलकुलेट किया बच्चों, अब यहां पर हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या है ये व्हाट इफेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि 48 को डी फॉर डिवाइडर, डिवाइडर से डिवाइड किया जा रहा है, Q2 माइनस Q1 का मतलब ये हो गया, ये Q1 और Q2 क्या थे बेटा, कोशेंट थे, ये कोशेंट का डिफरेंस है, दो कोशेंट का डिफरेंस भी कोशेंट होगा, बट ये निगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एच हमारा जो है Q3 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q1 लिखा हुआ है, तो ये डिफरेंस है, Q2 Q1 से ग्रेटर है यहाँ पर बच्चों, तो फिर क्या होगा कि ये पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी पॉजिटिव नंबर हो गया और यहाँ पर भी पॉजिटिव नंबर, यानी आप कह सकते हैं कि ये आपको जो ये ग्रेटर दिया हुआ है तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं Q2 माइनस Q1 इज नॉट इक्वल टू Q3 माइनस Q2 इज नॉट इक्वल टू Q3 माइनस Q1। इसका मीनिंग क्या है इसको भी थोड़ा सा समझिए बच्चों, ठीक है ना। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि ये नंबर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है, तो सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद ये नंबर भी क्वेश्चन हमारे डिफरेंट डिफरेंट है, ये पता लगा। और यहाँ पर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा डी को अगर 48, 92, 140 को डी से डिवाइड किया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब डी जो है 48, 92 और 140 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, और हमारा मोटिव क्या था, डी की वैल्यू निकालने का। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि डी देयरफॉर डी इज भाई HCF हम कब बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, नो डाउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। यहाँ पर डी और डी निकालना है हमें बेसिकली, और साथ साथ इंपोर्टेंटली ये है कि डी एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। एग्जैक्टली डिवाइड क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर जीरो है, ये वैल्यूज हमारी जो है वो कोशेंट को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, ध्यान रखिएगा। Q2 माइनस Q1, Q3 माइनस Q2 और Q3 माइनस Q1 ये हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर ये कोई एक सिंगल नंबर है, क्योंकि Q2 माइनस Q1 एक सिंगल नंबर मिलेगा हमें, Q1 और Q2 की जो भी वैल्यू होगी वो सिंगल नंबर हमें मिलेगा माइनस करके। तो ये कोशेंट यानी डी को जब हम डी से 48 को डिवाइड करते हैं तो जो भी यहाँ पर कोशेंट और रिमाइंडर जीरो, इसका मीनिंग ये हुआ। सिमिलरली इसी तरह से 92 को डी से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा। इसी तरह से 140 को डी से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, जीरो। तो इसका मतलब डी इज एग्जैक्टली, मतलब 48, 92 एंड 140 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई डी, और अदर वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं डी इज द HCF of 48, 92 and 140, ठीक है ना। तो इसका मतलब इन तीनों का जो HCF होगा हमारा बच्चों, ठीक है ना, वो D की वैल्यू हो जाएगी। और हमें फाइनली क्या करना था यहाँ पर, देखिए बेटा क्वेश्चन हमारा जो था वो हमें D फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिए, कई बुक्स में ट्रिक्स वगैरह दी जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन था डिस्क्राइब करने की कोशिश की आप लोगों को, ये समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर 48, 92 और 140 का क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। तो ये 2 आपका 12, 2 6
टू थ्री जा टू फोर, जैसे कैलकुलेट आप आसानी से कर सकते हैं, टू से हुआ टू फोर जा टू सिक्स जा, इसको भी करिए आप, टू सेवन जा हो जाएगा आपका बेटर, टू थर्टी फाइव, फाइव सेवन जा और सेवन, एस सी एफ अगर निकालना है तो हम डायरेक्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पर एस सी एफ अगर निकालना है तो देखिए टू यहाँ पर फोर टाइम्स है, टू टाइम्स है, टू टाइम्स है, तो टू टाइम्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर थ्री है बट यहाँ पर थ्री नहीं है और कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं फाइव सेवन इसमें नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, तो एस सी एफ बच्चों कितना हो गया इसका फोर, ठीक है ना, तो देयरफॉर जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर इस नंबर को हम जो भी नंबर हमारे जो दिए गए हैं फोर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो हमारा क्या होगा वो सेम आएगा, अगर आप वेरीफाई इसको करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा आपसे कि वेरीफाई इसको आप कर सकते हैं, ठीक है ना, नंबर्स हमारे कौन से थे 43, चलिए 43 को 4 से डिवाइड करिए, व्हाट हैपेंड देखिए जरा, अगर वेरीफाई आपको करना है तो 4 टाइम का 40 आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ रहा है आपका, ठीक है ना, फिर आप 91 को जरा डिवाइड करिए 4 से, तो 4 टू जा 8 देख सकते हैं आप 1 और 4 3 जा सॉरी 4 टू जा 8 फिर भी रिमाइंडर 3 आ रहा है, एक और नंबर बचा हुआ है हमारा, ठीक है ना बच्चों, 183 इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 4 जा 16, 2 3 और 4 5 जा 20, देखिए रिमाइंडर 3 आ रहा है, क्वेश्चन में यही बोला गया था कि हमें ऐसा नंबर बताना है, ठीक है ना, ऐसा नंबर बताना है जो कि इन तीनों नंबर को डिवाइड करे वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम देगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था, फिर से समझिए एक बार, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को कि क्या करना था क्वेश्चन में, ठीक है ना, हमें क्या करना था, एक नंबर फाइंड आउट करना था यहाँ पर, वो मान लिया डी, यानी जो 43 91 183 को डिवाइड करता हो और रिमाइंडर सेम देता हो, तो इक्वल डिवीजन लेमा यहाँ पर अप्लाई कर दिया हम लोगों ने, ठीक है ना, 43 को डी से डिवाइड किया, क्वेश्चन Q1 मान लिया, रिमाइंडर आर, तीनों में बेटा रिमाइंडर आर हमने इसलिए माना हुआ कि रिमाइंडर तीनों केसेस में सेम है, फिर 91 को इसी तरह से डिवाइड किया गया और 183 को डिवाइड किया गया, फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन हमने की है, हमने रिलेशन जनरेट करने की कोशिश करी है यहाँ पर, ठीक है ना, वैसे तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इसका बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, आप अभी प्रोसेस सीखिए कि हमने यहाँ से क्या किया, R को कैंसिल किया, रिमाइंडर को जीरो बनाया जिससे ये पता लगे कि एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो इन दोनों को इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस किया, फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, फिर थर्ड में से फर्स्ट को माइनस किया, ठीक है ना, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, ठीक है ना, फिर थर्ड माइनस फर्स्ट, यहां से ये थ्री रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पर निकाले, 91 माइनस 43 और 183 माइनस जो भी आपका यहाँ पर दे रखा है, कैलकुलेशन हमने ये प्रोसेस किया, उसके बाद ये थ्री इक्वेशन हमें इस तरह से यहाँ पर मिल गई, ठीक है ना, इन तीनों इक्वेशन को जब हमने ऑब्जर्व किया तो यहां से देखा कि डी जो है, ठीक है ना, डी जो नंबर है, ठीक है ना, वो इन तीनों का क्या होगा, एस सी एफ होगा, वाई एस सी एफ, एस सी एफ क्यों बोल रहे हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि डी नंबर जो है वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, बट एग्जैक्टली तो बहुत सारे नंबर हमारे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो क्या वो सारे के सारे एस सी एफ हो जाएंगे, बस यहां पर थोड़ा सा हम लोगों को इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि ये हमने डी क्यों बोला है यहाँ पर बच्चों, इसलिए हमने इसको यहाँ पर बोला, इसको ध्यान रखना है कि जो हमने वो एग्जैक्टली डिविजन जो एस सी एफ इसको बोला है यहाँ पर, इस चीज का थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं कहूंगा कि ध्यान रखना है कि भाई दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल सॉरी एग्जैक्टली डिविजिबल डिविजिबल तो है, रिमाइंडर हमारा जीरो आ रहा है, ठीक है ना, वाई दिस इज एच सी एफ, एच सी एफ 48 92 और 140 का कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी डिवाइजर होगा जो कि इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है ना, एस सी इसको क्यों बोलेंगे, इसको एस सी एफ क्यों बोलेंगे, मुझे सिर्फ ये यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ओके बच्चों, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर इसको आपको, ओके बच्चों, यहाँ पर जो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये तो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन बिकॉज हमें क्या करना है, ये ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू ग्रेटेस्ट होनी है, तो वो तभी ग्रेटेस्ट हो सकती है जब हम इन तीनों नंबर का बेटा एस सी एफ निकालेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है, कई बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज होंगे कि सर डी तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नंबर होगा जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, डेफिनेटली बेटा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन अगर हम इन तीनों का जो अगर डी हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा, डी अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड करता हो उन तीनों नंबर को, ठीक है ना, क्यों एग्जैक्टली बोल रहे हैं, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आया है, तो फिर वो एग्जैक्टली डिवाइड करने वाला ही नंबर चाहिए, ठीक है ना, वो क्या होगा इन तीनों का, वो एस सी एफ होगा बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना है, वैसे मैं आपको बता दूं ओवरऑल ट्रिक भी है इस क्वेश्चन की, ठीक है ना, वो ट्रिक अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से, इस क्वेश्चन का प्रोसेस आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है ना, वो प्रोसेस आपको अगर समझ में आ गया तो ट्रिक भी आप बड़ी आसानी से, ट्रिक क्या है, आपके जो गिवन नंबर्स थे बच्चों ध्यान दीजिए, ठीक है ना, गिवन नंबर्स थे हमारे वो थे 43,
43, 91, 183, 43, 91 और 183, ठीक है ना। अब आप क्या काम करिए इसमें, अगर डायरेक्ट आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी ट्रिक है, तो 91 माइनस 43 करिए बच्चों, यानी दिस माइनस दिस, 183 माइनस 91 करिए बच्चों, इसमें से इसको, यानी कि जैसे हमने कहा है ना, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड में से फर्स्ट, और तीसरा 183 में से 43 माइनस करिए, यहां से जो नंबर आपको मिलेंगे बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं, ये 48 और 92 और 140 नंबर आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इनका आप एचसीएफ फाइंड आउट कर लीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। बट फिर वही बात आती है कि नंबर कहां से आए हमारे, इसके लिए आपको प्रोसेस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो तीनों नंबर है इसको आप एज ए ट्रिक भी याद रख सकते हैं, कि तीनों नंबर को डिवाइड करने के लिए हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जिनका रिमाइंडर सेम हो, तो उसके लिए हम प्रोसेस क्या करते हैं, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, यानी 91 में से 43 को माइनस करिए, 183 में से 91 को माइनस करिए, और 183 में से 43 को माइनस करिए, जो नंबर हमें मिलेंगे उनका आप एचसीएफ फाइंड आउट करिए, वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर। ये इसकी सॉल्व ट्रिक भी है बच्चों, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आई होप कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी आपको, बट आप दो तीन बार इसको रिपीट करिएगा, बड़ी आसानी से ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।